Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Oh, Sharma, Abhishek, Bachchan. Chitrangda, Singh. Yes. Oh, my God, yeah. So, I know. Hey, apna Bob Biswas, right? Yeah. What a trailer. Yes. What a trailer. Maine dekha, bahut kamal ka trailer hai. I really love it. Dhanyavad. Tab main apna taaruf kara dun. I'm really sorry. My name is Damodar Jet Malani. Main is mohalle ka world famous vakeel hun. Sirf is mohalle mein ya? Isi mohalle mein world famous hai. I'll give you my card, thank please. Ye to khali hai. There's my card here. Ye to khali hai. Ha? Arre ye khali to printing bahut mehengi ho gayi hai yaar aaj. इसलिए मेरा आइडिया है मैं आपको बताऊंगा मेरा एड्रेस और वेरी फ्रेंकली चित्रांगदा जी मैं कहूंगा जी आप अपने कोमल हाथों से लिखेंगी तो हमारे बीच एक रिलेशनशिप भी डेवलप होगा वकील साहब बादाम वाला डिब्बा खाएंगे मुंह पे आपने फ्लर्ट करने तो चले जाओ यहाँ से आप मैं चला तो जाऊंगा लेकिन ये साथ आएंगी मैं कह रहा हूँ अकेले चले जाइए यहाँ से यार अकेले ही जाना होता तो मैं फ्लर्ट करता ही क्यों ये तो वही बात हो गई कौन सी बात वही जो हुई भाई बात तो वही होगी ना जो हुई हुई होगी अगर हुई नहीं तो फिर बात होगी कैसे ध्यान कहाँ है आपका दोस्त आप ध्यान दो नहीं तो मुझे दो केले दो मुझे भूख लग रही है वकील साहब देखिए यहाँ बैठ रहे ना सिर्फ काम की बात करनी है आपने नहीं ये गलत है अभिषेक जी यू टेल मी मैं अभी यहाँ आके बैठा मैं सीधे काम की बात करूंगा आपको नहीं लगेगा कि मैं सेल्फिश हूँ सेल्फिश नहीं आप वेल फिश लग रहे हैं वकील साहब आगे बढ़ो आप चलो दिस मैन इज सो स्वीट वेरी स्वीट ही सो स्वीट वेरी स्वीट ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा ये कह रहे हैं वकील साहब आप आगे बढ़ो सो काइंड ही सो काइंड मैं आपकी एक पप्पी ले सकता हूँ नहीं बिल्कुल भी नहीं आप मेरी बेस्ट विशेस नहीं ले सकते आप पप्पी की बात कर रहे हैं वो सो स्वीट यार इसलिए कह रहा था मैं वैसे हाउ इज अमिताभ बच्चन जी इज फाइन स्वस्थ है जी थैंक यू और अमिताभ बच्चन जी हाउ आर यू मैं कहाँ बच्चन साहब हूँ एग्जैक्टली आपको पता है ना कि आप नहीं है तो फिर यहाँ पर हमसे इतने सवाल क्यों पूछते हैं आप नाइस वन लाइक रियली बच्चन साहब वहाँ सवाल पूछते हैं तो सामने वाले को पैसे भी देते हैं ये आदमी यहाँ पे मुझसे सवाल पूछते हैं आपसे सवाल पूछते हैं सबसे सवाल पूछते हैं और देते कुछ नहीं सोनी से पैसे लेते हैं व्हाट इज दिस बिजनेस मॉड्यूल मैं सर कहना चाह रहा था आप मल्टीपल फिल्म्स करते हैं आपको कभी भी डेट्स की प्रॉब्लम हो ना मुझे बोलिए आप क्या करोगे अच्छा मैं इनको कोर्ट ले जाऊंगा और वो जज मुझे बहुत डेट्स देते हैं मुझे नहीं चाहिए वो सारी डेट्स मैं आपको दे दूंगा अच्छा और वेरी फ्रेंकली द बेस्ट डेट्स इफ यू वांट ना दुबई से मंगाइए आप क्या डेट्स मिलती है वहां हजूर मैं दिन में 100 डेट्स खाता हूँ कहाँ की बात आप कहाँ ले गए आप मैं डेट की बात पेट तक लेकर आया आपकी ये फालतू बातें सुन सुन के वो लड़की के बालों में कुंडल पड़ गए देखो आप बोले चित्रांगदा जी मैं बातों को घुमाता नहीं हूँ आई एम एन ओपन बुक और मैं साफ साफ आपसे कहूंगा यू आर टू ब्यूटिफुल यार थैंक यू आपके पापा फौज में थे ना जी मेरे पापा मौज में थे कभी आप ये रिजल्ट देखिए रिजल्ट देखिए ऐसे बच्चे प्लानिंग से पैदा होते हैं एक बार मेरे पापा के हाथ से एक बर्नी टूटी मेरी माँ मेरे पापा से बहुत रूठी मेरे पापा का पूरा दिन गया मेरी माँ को मनाने में कुछ महीने बाद ऐसा बच्चा आया इस जमाने में yeah.
वाह वकील साहब, वाह, लानत है आपकी शायरी पे, उससे पहले आपके मुंह पे। वैसे मैं सर आपसे कहना चाह रहा था, इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाहें तो कल के दिन ही मेरे पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। कैसे? क्रेन मंगाऊं? क्रेन रखना मार डाला का म्यूजिक लगा दे, पोजीशन तो सही है। मार डाला लग भी सकता है। खैर मैं कह रहा था कि आपके पापा जो केबीसी करते हैं ना, उसके सवाल थोड़े उनकी शूटिंग से पहले अगर मुझे दे दें, और मुझे ज्यादा सवाल नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ 7 सवाल भी दे दें, 25 लाख रुपए मैं कमा लूंगा। 14 सवाल ही पूछ लो, पूछने तो इतनी मेमोरी नहीं है मेरी यार। इतने सारे थोड़ी याद रहेंगे मुझे, ऐसा नहीं हो पाएगा। एनीवे देखो, अगर मेरे को इट्स ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चित्रांगदा जी वो देख लीजिएगा। हाँ नहीं, आप भी शुरू हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मैं तो कबाब में एंट्री हूँ आज। नहीं नहीं, चित्रांगदा जी आप एक ऐसा नंबर बताइए जो अगर अपने मोबाइल पर मैं डायल करूं तो आपके मोबाइल की घंटी बज जाए। ये आप इनडायरेक्टली उनका नंबर मांग रहे हैं आप? तो यार नंबर ही मांगूंगा मैं इनसे, प्लम्बर थोड़ी ना मांगूंगा। मैं रोटी के साथ क्यूकम्बर थोड़ी ना मांगूंगा। देखो मैंने 2-4 हंसने वाली बात कर दी, आप चूज करके हंस लीजिए, क्योंकि आप हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती है। थैंक यू। इस बात पे एक शेर भी मैं अर्ज कर दूं आपके लिए, इफ यू डोंट माइंड। जी। इश्क का इजहार, इश्क का इश्क का इजहार कर दिया मैंने, इश्क का, इश्क का इजहार कर दिया मैंने। आगे आगे वो करेंगे, मैंने कर दिया। वैसे सर, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। जी जी बोलिए बोलिए। आप जो सूट पहनते हैं ना, क्या लगते हैं आप यार, मतलब मेरे को आपके सूट पहनने का स्टाइल बड़ा पसंद है। मैंने कल एक सूट पहना, मेरी बीवी ने मुझे डांट दिया। क्यों? उसका सूट पहना ना मैंने। शर्म नहीं आती आपको लेडी सूट पहनते हुए? नहीं नहीं शर्मा, ये गलत बात है। कोई भी कपड़ा अपने थान की कोक से लेडीज या जेंट्स पैदा नहीं होता। वाह उसे लेडीज या जेंट्स बनाता है दर्जी। जो बनाता है तो अच्छी बात है भाई, बना है तो दर्जी की मर्जी। मैं जानना चाहता हूँ कि यार ये मनीष मल्होत्रा, नीता लुल्ला, ये बीच में आके इस कपड़े को इतना महंगा क्यों कर देते हैं? यू टेल मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद गुड्डू टेलर? गुड्डू टेलर इज वंडरफुल, वेरी गुड सर। 450 रुपए में क्या सिलाई करता है गुड्डू टेलर? दिस इज आल्सो गुड्डू टेलर। अच्छा, गुड्डू टेलर। वकील साहब अब फालतू बातें कर रहे हैं आप, काम की बात करें कोई। गुड्डू टेलर को फालतू नहीं कहोगे तुमने? मैंने आपको फालतू कहा है। गुड्डू टेलर इज ए टैलेंट। गुड्डू टेलर आई लव यू। चार बट्टा 5 रेलवे फाटक के सामने गुड्डू टेलर। गुड्डू टेलर। सर मुझे एक बात बताइए, कबड्डी की टीम है ना आपकी? जी हाँ। जी सर, वेरी नाइस। मेरा भी ना हमेशा से सपना था कि एक दिन मैं भी कबड्डी का प्लेयर बनूं। बने क्यों नहीं फिर? पर एक दिन के सपने के लिए इतना मेहनत कौन करे यार। सपनों का क्या है, you know? आते जाते सपने तो आते जाते हैं, कुछ भी सपना आ सकते। जैसे कल मुझे सपना आ गया कि मेरे पास स्कूटर है। अच्छा, तो आपके पास स्कूटर नहीं है? एक भले आदमी ने मुझसे कहा, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? अब जिस आदमी ने ये कहा ना, वही मेरे घर पे आके मेरा स्कूटर ले गया। वकील साहब हो गया आपका? ऑलमोस्ट। सर आई विल शेयर अ सीक्रेट विथ यू। जी। इट्स अ सीक्रेट। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये सेटअप, ये स्टेज एंड ऑल, अगर ये लोग चाहते
तो ये स्टेज को यहाँ तक भी बना सकते थे कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, इतना बड़ा आगे तक बनाने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं? आपको पता है इन्होंने इतना आगे तक स्टेज क्यों बनाया है? जी नहीं। ताकि एक दिन जब आप दोनों यहाँ पर आए तब आप दोनों मेरे साथ यहाँ पे डांस करें, इसलिए बना। इफ यू डोंट माइंड। आई माइंड। देखिए वकील जी, यू आर वेरी वेरी पोलाइट। थैंक यू। वेरी स्वीट। थैंक यू। मैं जानता हूं कि आप नाचना चाहते हैं इनके साथ। मुझे दहेज में मत ले जाइएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर मैं यहाँ बैठा रहूं। मैं बैठ के आपका जो नृत्य है उसका लुत्फ मैं उठाऊं। आप दोनों प्लीज। यू आर ए जेम। आई एम अ जेंटलमैन। मैम आप आ जाइए। थोड़ा थोड़ा एक थोड़ा सा। आपको 9 साल लगे कपिल शर्मा के शो पे आने में, अभी पूरा टैक्स भरिए आप। बड़ा मजा आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं मिली यू। मैं कल चलो, ओके? चलो भाई। सुपर। अभिषेक भाई आप तो सोशल मीडिया पे हो, आप भी सोशल मीडिया पे हैं। आप जब कभी अपने फैंस के लिए कोई फोटो वगैरह डालते हैं या कोई प्रोमो डालते हैं, आपको पता है हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। आपके पास टाइम नहीं होता, हमारे पास वी हैव अ ह्यूज टीम ऑफ ए वन पर्सन जो ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे लेके आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। ये अभिषेक भाई ने फोटो डाली है, लुक्स लाइक द रिक्शा वाला ऑफ जयपुर, सपोर्ट द जयपुर पिंक पैंथर्स, हैशटैग रोर फॉर पैंथर्स। ओके चलिए तो कमेंट्स पढ़ते हैं। आपकी टांगे इतनी लंबी हैं, पीछे की सीट पे बैठ के भी चला सकते हैं। किसी ने लिखा वाह रे पेट्रोल, तेरी वजह से बड़े बड़े लोग सीएनजी वाली गाड़ी पे आ गए। और दिखाइए। आपको तो स्टेशन पर सबसे आगे रिक्शा लगाने को मिल जाता होगा क्योंकि बच्चन जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सर जी मैं कांदीवली में रहता हूँ, जयपुर से आते हुए घेवर लेकर आना। मैं आपसे कलेक्ट कर लूंगा। और दिखाइए। योगा डे एवरी डे। अच्छा और पीछे कौन है? वो ऐसे घोड़े हैं। ये कहाँ की फोटो है? चित्रांगदा पहलगाम। कौन सा वाला? बक्सर कौन सा इनमें से? बस्टर पीछे वाला है, ब्रूनो आगे वाला है जो कभी नहीं सुनता। बहुत बड़े प्यारे हैं। दिखाई भी नहीं सुन रहे थे इसलिए वो पीछे जाके बैठ गई। पीछे जो घोड़ा खड़ा ना उसने मुंह उधर कर लिया, कहता जिंदगी तो कुत्तों की है। कमेंट्स पढ़ते हैं, आइए नीचे। ओह दिस इज गोना बी क्लासिक। मैडम पर्स में एक पैसा नहीं लेकिन आपकी फोटो रखता हूँ और खुद को धनवान समझता हूँ। उसको आगे रिप्लाई भी आया किसी का कि फिर तो पर्स भी तुमने किसी का मारा होगा। मारा होगा। वाह मैडम आपके तो कुत्ते भी फोटोजेनिक हैं। और दिखाइए। So sweet. एक्चुअली वो कैमरा की तरफ देख के खिंचवा रहे हैं फोटो, देखो आप। Yeah, so cute, yeah. कुत्ते की जगह आप मुझे साथ बिठा लो, कितनी भी फोटो खींचे हो मैं आप ही को देखूंगा। ये कमाल है। मैडम आप हमें कुत्ते धोने के लिए रख लो। मेरे पास 3 साल से भैंस धोने का एक्सपीरियंस है। आप मेरे पति को योगा सिखाएंगी क्या?
आपको देखने के चक्कर में शायद वजन कम कर भी ले। और दिखाइए। In between takes, while shooting the beautiful track, चोंच लड़ियां। चलिए जी, मनमर्जियां के टाइम की ये फोटो है। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। ओए, इतना लंबा कमेंट। सारी सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटें और धो लें। फिर कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के जीरा प्याज डालें, फिर आलू और फलियां डाल दें और ढक दें। थोड़ी देर बाद स्वाद अनुसार नमक मिर्च हल्दी और धनिया डाल दें। सब्जी तैयार। प्यार से परिवार को परोसे। मैंने रेसिपी बता दी है, अब बैठे ना रहे, सब्जी बनाए और खाए। और दिखाइए। अभिषेक भी लाइक, एक दिन खाना बना के क्या खिला दिया, रोज ही मुझसे बनवाने लगे। पाजी आपने क्या पजामे के कपड़े से खटिया बनाई है। कहा था ना अनुराग के साथ काम मत करो, ये गरीब बना के छोड़ता है। ओए ओए। दिखाइए और। ओ अनुराग यार, अब आप सामने हैं तो कुछ भी नहीं है याद, वरना कुछ आपसे हमें कहना जरूर था। ओह उमराव जान। दिखाइए कमेंट्स। हाँ ये अभी प्यार से पढ़ना अभी। हाँ जी, आप सामने आओ तो हम भी वादा करेंगे। आप सामने आओ तो हम भी वादा करेंगे आपको, सीधा चलेंगे तुम्हारे घर, छोड़ के अपने बाप को। अच्छा उसकी पोएट्री करी है। फोटो खिंच गई हो तो कुर्सी छोड़ दो, दादाजी खड़े-खड़े थक गए। एक्चुअली ये कुर्सी होती थी ऐसे ना पहले। ऐसी कुर्सी हमारे घर में भी होती थी, हम बड़ा उसमें ऐसे उंगलियां करते रहते थे, बड़ा मजा आता था। इतने प्यार से मत देखो, फिर हमें अपनी लुगाई को प्यार करना पड़ेगा। ओह आगे दिखाइए। बस अच्छा। ओह 4 days 2102 not out। ओके पाउट गेम स्ट्रॉन्ग। जी कमेंट्स दिखाइए। बिग बी लाइक, बुड्ढा होगा तेरा बाप। लगता है ब्लैक एंड व्हाइट आपके फेवरेट कलर हैं। आपकी दाढ़ी काली और कपड़े व्हाइट। अमित जी की दाढ़ी सफेद और कपड़े काले। सेम टू सेम, हमारी बीवी जब घर पे नहीं होती हम भी ऐसे ही खुश होते हैं। That's a good one, I have to say. और दिखाइए। चित्रांगदा, मी मार्चिंग इनटू कोरोना फ्री टाइम्स। ओके उदयपुर की। ओके दिखाइए कमेंट्स। वाह बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है। वेरी नाइस। ओके पीछे वाले भाई साहब की 60 साल की नौकरी में आज सबसे बढ़िया दिन है। This is really embarrassing. इसे कहते हैं ऊपर वाले की प्रीमियम कलेक्शन। वाह अंकल भी लाइक, धीरे चल पगली, घुटने का ऑपरेशन हुआ है। This is... और दिखाइए। This man has become famous now. ये सच में कमेंट्स हैं? हाँ really? नहीं नहीं सीरियसली जनता के होते हैं। Really? बुढ़ापा सिर्फ जवानी के सपने देख सकता है, उसे पकड़ नहीं सकता। चित्रांगदा आपकी जैसी लड़कियों की वजह से लोग 70 में भी रिटायर नहीं होते। ओके और ओह फिनिश। ये सबसे मजेदार सेगमेंट लगता है मेरे को। It was fantastic. It was really funny. पर अब क्या हो गया है, जब से हम लोगों ने ये सेगमेंट ऐड किया ना अपने शो पे, अब लोग बहुत मात्रा में करने लगे हैं। Oh, really? और अच्छी बात है कि फनी कमेंट्स लिखते हैं। Yeah, no, it's yeah. Great. It's these witty. Are cute ones, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.